आज मैं आपके साथ अपने गांव के स्टाइल में फिश फ्राई की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो कि बहुत ज़्यादा चटपटा लगता है खाने में और सबको बहुत पसंद आएगा। तो यहां पे मैंने छोटी मछली ले ली है, ये छोटे छोटे साइज में है, रोहू मछली का बच्चा है ये, हम सब इसे रोहू मछली का बच्चा ही बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये मछली जो है, आप इसके जगह पे किसी भी मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी मछली आपके पास हो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो मछली है ना, इसे आपको साफ कर लेना है। तो इसके पहले स्किन को साफ करेंगे। तो आप चाहे तो इसे इस तरीके से उंगलियों से साफ कर सकते हैं, या फिर आप चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे साफ करने के लिए। तो पहले हम इसके स्किन को साफ कर लेंगे, और जब स्किन साफ कर लेंगे ना, उसके बाद इसका जो पंख है उसे कट करके हटाएंगे। तो यहाँ पे जितना पंख है ना, सबको हम काट लेंगे, और उसके बाद इसके माथे को भी हम साफ करेंगे। तो माथा के अंदर ये जो रेड वाला हिस्सा है ना, इसे तोड़ करके हटाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है। याद से आपको इसे हटाना है, और आँख के नीचे इस तरीके से दबाएंगे ना, तो इसका जो आँख है वो भी अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस मछली को कंप्लीट तरीका जानना चाहते हैं कि इस मछली को कैसे कट करेंगे, कैसे धोएंगे, कैसे साफ करेंगे, तो इसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बनाई है, जिसका नाम है छोटी फिश करी, जिसका लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको इसे किस तरीके से कट करना है और कैसे इसे धोकर साफ करना है। यहाँ पे मैंने मछली को अच्छे से धो लिया है साफ करके। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दो जगह कट लगाई है इस मछली में, और अंदर से भी साफ कर लिया है। इस तरीके से ये जो मछली है ना, आपको साफ करना है और अच्छे से इसे 4 से 5 बार पानी से अच्छे से धोना है। एक बार आटा वाला पानी से धोएंगे, उसके बाद सादा पानी से हम इसे 4 से 5 बार धो करके साफ कर लेंगे। तो मछली रेडी है, अब चलिए इसके लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। तो एक बर्तन में आधी छोटी चम्मच लेंगे हम हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच हम धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, 1/3 छोटी चम्मच के आसपास डालेंगे इसमें गरम मसाला, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसमें। और अब इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसके जगह पे बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बिना कॉर्नफ्लावर बिना बेसन के भी आप इस मछली को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो मछली के हिसाब से ही हम नमक डालेंगे, ताकि मछली में अलग से नमक ना डालना पड़े। और अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच सरसों का तेल। तो सरसों तेल का इस्तेमाल करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा मछली में। और आधा नींबू डाल देंगे, तो आधा नींबू का टुकड़ा है, जिसका टोटल रस मैंने डाल दिया है इसमें। मिला देंगे इसे अच्छे तरीके से, मिलाएंगे, और उसके बाद जितना ज़रूरत होगा उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बस 2 चम्मच हमें इसमें पानी डालना है। तो पहले 1 चम्मच पानी डालेंगे, मिला लेंगे, और गाढ़ा लगे तो फिर 1 चम्मच पानी हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे ये जो मसाला है ना, थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है, तो इसमें मैं 1 चम्मच पानी और ऐड करूँगी। टोटल 2 चम्मच मैंने पानी डाला है इसमें। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो मसाला है, बहुत ज़्यादा ड्राई ना रखें और ना ही ज़्यादा गीला करें। तो यहाँ पे जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। इस तरीके से ही आपको इसे तैयार करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही मसाला रेडी करेंगे हम। अब ये जो मसाला है, इसे हम लगा देंगे मछली के ऊपर। तो अच्छी तरीके से इस मसाले को आपको लगाना है इन मछलियों के ऊपर, चारों तरफ लगाएंगे। तो ये जो मछली है ना, इसके अंदर तक आपको मसालों को लगाना है, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है, मसालों का जो टेस्ट है, वो मछली के अंदर तक जा सके और मछली आपका खाने में टेस्टी बने। तो उंगली से इसके अंदर तक हम मसाला लगाएंगे। इस तरीके से मसाले को आपको लगाना है इस मछली के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं, सारे मछली में हम ऐसे ही मसाला लगाकर तैयार करेंगे। और ये जो मछली है, इसे हम इस तरीके से लगा करके छोड़ देंगे लगभग आधा घंटा के लिए, ताकि मसालों का टेस्ट, नमक, सब कुछ मछली के अंदर तक जा सके। तो यहाँ पे अच्छे से मसाला हमने लगा दिया है इन मछलियों पे, और अब इसे हम आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा ये रेस्ट करेगा, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है, और यहाँ पे मैंने तेल रखी है गर्म होने के लिए।
आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे फ्राई करने के लिए, पर ध्यान रखिए तेल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए। जब तेल से धुआं आने लगेगा तब हम इसमें मछली डालेंगे। तो ज्यादा मछली नहीं डालना है आपको पैन में, मैंने यहाँ पे 3 मछली डाली है। ज्यादा मछली डाल देंगे ना तो फिर फ्राई अच्छे से नहीं होगा मछली आपका और टूटने लगेगा। तो बस थोड़ा थोड़ा मछली डालें पैन में और अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पे आपको इसे फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे जब 3 से 4 मिनट ये एक तरफ से फ्राई हो जाएगा मछली आपका, तभी आपको इसे पलटना है। तो जब भी मछली डालें पैन में आप थोड़ा सा दूरी बना करके डालें ताकि फ्राई होते समय ये जो मछली है ना वो आपस में चिपके नहीं। तो हल्का दूरी बना करके रखेंगे इसमें। और अब यहाँ पे 3 से 4 मिनट के बाद जब एक तरफ से मछली फ्राई हो जाएगा इसे पलट देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल भी चिपका नहीं है, ये अच्छी तरीके से ये फ्राई हुआ है एक तरफ से। और अब इसे पलट कर हम दूसरे तरफ से भी फ्राई करेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, थोड़ी थोड़ी देर पे हम इसे पलटेंगे 2-3 मिनट पे। और अच्छी तरीके से चारों तरफ से घुमा घुमा कर ये जो मछली है ना इसे हम फ्राई कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर डालने से जो मछली है इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है ना वो क्रिस्पी होगा। और अच्छी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मछली हमने फ्राई कर ली है, बहुत बढ़िया इसके ऊपर एक लेयर भी आया है मसालों का। तो इस तरीके से ये जो मछली है ना आपको इसे फ्राई करना है ब्राउन होने तक। तो कलर बहुत बढ़िया आ गया है इस मछली के ऊपर। और अब इसे हम निकाल लेंगे, इससे ज्यादा इसे फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ऊपर का जो हिस्सा है ना वो जलने लगेगा। तो इस तरीके से आपको फिश फ्राई बनाना है। बाकी मछलियों को हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया हमारा फिश फ्राई बनकर के रेडी हुआ है। बहुत ही चटपटा लगता है इसका जो मसाला हमने रेडी किया है ना वो बहुत ज्यादा चटपटा था। तो मछली भी आपका बहुत ही चटपटा फ्राई होकर तैयार होगा, सबको बहुत पसंद आएगा ये मछली। तो बाकी मछलियों को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं, इसे साइड में रख देते हैं। यहाँ पे टोटल मछली हमने फ्राई कर ली है, देख सकते हैं आप बहुत ही टेस्टी ये मछली बनकर के तैयार हुआ है। सबको बहुत पसंद आएगा ये फिश फ्राई। और इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, तो आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो जरूर ट्राई कीजिएगा आप अपने घर में इस तरीके से एक बार फिश फ्राई बनाकर, आप सबको बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।